हेलो एवरीवन, आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है कलोरेशन इन फिशेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए इससे भी बहुत से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, चाहे वो आप एमएफएससी का एग्जाम देखें, चाहे वो पीएचडी हो, आईसीएआर का कोई एग्जाम हो, या फिर फिश इंस्टीट्यूट का कोई एग्जाम हो। तो आजकल जेकेएसएसबी भी एग्जाम ले रही है, तो वहाँ भी कोई क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिशरी के रिलेटेड, उसमें से ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कलोरेशन इन फिशेज। आपने देखी होगी व्हाइट कलर की भी फिश होती है, गोल्डन कलर की भी होती है, ठीक सिल्वर कलर की भी होती है, और बहुत कोई मिक्सड कलर की भी होती है। अभी कलोरेशन फिशेज होती क्या है? इन फिशेज द कलोरेशन इज वेल मार्केड। खासकर फिशेज में देखा गया है कि उसके अंदर जो कलोरेशन है वो वेल मार्क की गई है। A large number of telostean fishes are brightly and brilliantly colored. खासकर अगर हम telostean fishes की बात करें, bony fishes की बात करें, वो बहुत ही brightly और brilliantly colored जो होती है वो। Generally the fishes are darker on their upper surface due to sunlight. तो जो upper surface होता है ज्यादातर देखा गया है generally कि वो darker होती है, ठीक है ना? तो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे sunlight जो है वो वहाँ पे पड़ती है। While the ventral and lateral sides are relatively lighter in coloration. तो अगर हम ventral side की बात करें या lateral side की बात करें, तो वो जो साइड वाला हिस्सा और आगे वाला जो हिस्सा है वो क्या होता है, विंटर लाइट साइड का, वो ठीक होता है, लाइटर उसके अंदर जो कलरेशन होती है वो ठीक होती है। अगर हम गोल्ड फिश की बात करें, गोल्ड फिश जो है एग्जिबिट एन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली ब्राइट कलर ऑल ओवर द बॉडी। गोल्ड फिश देखिए आप ये कैसा दिखती है, ये ब्राइट कलर दिखता है इसको पूरी बॉडी के ऊपर। अब देखते हैं सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ कलर। सोर्स ऑफ कलर जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू काइंड्स ऑफ स्पेशल सेल्स। दो किस्म के जो स्पेशल सेल्स होते हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से आप देख सकते हैं कि जो कलर होता है फिश का वो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। एक होते हैं द क्रोमेटोफोर्स और होता है अरिडोसाइट्स। एक होते हैं क्रोमेटोफोर्स और दूसरे होते हैं अरिडोसाइट्स। ये स्पेशल सेल्स हैं जिनकी वजह से फिशेस के अंदर अच्छा कलर दिखता है। सबसे पहले हम देखेंगे द क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स की अगर हम बात करें, द क्रोमेटोफोर्स आर ब्रांचेड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन डर्मस आइदर एबो और बिलो द स्केल्स। ये जो स्केल्स आपने देखा होगा, जो डर्मस होता है ना, डर्मस की जो लेयर होती है वहां पे ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये लोकेटेड होता है और ये ब्रांचेड होता है, ये या एबो या बिलो स्केल्स ये पाया जाता है। क्रोमेटोफोर्स कंटेन्स पिगमेंट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स ग्रैन्यूल्स व्हिच मे बी, देखो जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो कंटेन करते हैं बहुत किस्म के पिगमेंट, जिस तरह से कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ये येलो रेड इससे दिखाई देता है, मेलानिन से ब्लैक दिखाई देता है, फ्लेविन से येलो दिखाई देता है, प्यूरिन से व्हाइट और सिल्वर दिखाई देता है, टेरिन्स प्रोफेरिन्स एंड बाइल पिगमेंट्स ये जो है ये क्रोमेटोफोर्स के अंदर जो है ये पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोफोर्स। अब क्रोमेटोफोर्स के टाइप्स कितने होते हैं देखो, जो इंपॉर्टेंट है एक है मिलानोफोर्स, अरिडोफोर्स, जैंथोफोर्स और एरेथ्रोफोर्स। ये जो चार मैंने यहाँ पे लिखे हैं यही इंपॉर्टेंट जो है क्रोमेटोफोर्स होते हैं। ओके टाइप्स, सबसे पहले हम देखेंगे मिलानोफोर्स क्या होते हैं। पिगमेंटरी मटेरियल ऑफ क्रोमेटोफोर्स इज ब्लैक कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन। सबसे पहले ये जो पिगमेंटरी मटेरियल होता है जो मेलानोफोर्स है ये ब्लैक कलर्ड पिगमेंट के अंदर पाया जाता है, उसका नाम है मेलानिन, ठीक है। दैट मींस ये मेलानिन से बनते हैं। इट इज फॉर्मड फ्रॉम एन अमीनो एसिड टायरोसिन व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू मेलानिन। पहले को ये फॉर्म कहां से होते हैं, अमीनो एसिड का है जिसका नाम है टायरोसिन, टायरोसिन से ये बनता है और कन्वर्ट होता है उसके बाद मेलानिन। अब जो मेलानिन जो बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कंटेनिंग एंजाइम टायरोसाइनेस, तो जो एंजाइम टायरोसाइनेस है इसकी प्रेजेंस से जो जो है ये बनता है। उसके बाद है मेलानिन। मेलानिन जो है सो फॉर्मड एसोसिएट्स विद द साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स कॉल्ड मेलानोसोम्स। अब जो मेलानिन है इसको हम अगर हम देखें साइटोप्लाज्म जो इसका ऑर्गेनेल होता है वो कौन सा होता है, मेलानोसोम जो है इसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है वो पाया जाता है। फिर है यूमेलानिन, ये ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट होता है जो कि मेलानोफोर्स के अंदर पाया जाता है।
उसके बाद है अरिडोफोर्स। अरिडोफोर्स जो है ये पेगमेंट्री मटेरियल इन दीज सेल्स इज ग्यूनिन। ग्यूनिन जो है ये इसके अंदर पेगमेंट्री जो मटेरियल है ये पाया जाता है। ग्यूनिन जो है ये ओपेक होता है, व्हाइटिश और सिल्वरी कलर का होता है। ओपेक का मतलब क्या होता है, होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ओपेक। ओपेक का मतलब ये होता है कि ओपेक चीज होती है जिसे नजर पास नहीं होती है। इट इज ए वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज डिपोज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि डिपोजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। These granules are opaque and possess great reflecting power. अब क्या है, ये जो granules होते हैं ये opaque होते हैं और possess करते हैं अच्छी reflecting power, so that the erythrocytes may be also called the mirror cells. तो इसको mirror cells भी कहा जाता है। और जो blue color fish होता है वो due to erythrophores ही की वजह से होता है। फिर है जी ज़ैंथोपोर्स। ज़ैंथोपोर्स जो है टेरिडाइन्स एंड कैरोटीनॉइड्स आर द पिगमेंट ऑफ ज़ैंथोपोर्स। ठीक है, टेरिडाइन्स एंड कैरोटीनॉइड्स। अब जो टेरिडाइन्स है और जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये पिगमेंट होते हैं ज़ैंथोपोर्स के। टेरिडाइन्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द पिगमेंट्स ऑफ बटरफ्लाई विंग्स। तो जो टेरिडाइन्स है ये फर्स्ट डिस्कवर कहाँ गया किया गया था, जो बटरफ्लाई बटरफ्लाई के विंग्स है वहां पे इनको देखा गया था। ये ठीक है ना, टेरिडाइन्स जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द पिगमेंट ऑफ बटरफ्लाई विंग्स। कैरोटीनॉइड्स कॉमनली ऑकरिंग इन फिशेस विद देयर कलर्स आर टूनेक्सेंथीन, येलो होता है, ल्यूटीन ग्रीनिश येलो होता है, बीटा कैरोटीन ऑरेंज कलर होता है, कैंथाजेंथीन ऑरेंज रेड होता है। ये जो है ये होते हैं ज़ैंथोपोर्स। क्या होते हैं, ज़ैंथोपोर्स। ओके, उसके बाद है एरिथ्रोफोर्स। एरिथ्रोफोर्स क्या होते हैं, एक क्रोमेटोफोर्स कंटेनिंग ए रेड यूजुअली कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट दैट ओकर स्पेशली इन सम फिशेस एंड क्रस्टेशियंस। एरिथ्रोफोर्स भी एक क्रोमेटोफोर्स है जो कंटेन करता है रेड कलर यूजुअली, जो कि ये कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स जो है वहां से ये यूजुअली कैरोटीन पिगमेंट होता है जो कि स्पेशली सम फिशेस के अंदर या क्रस्टेशियंस के अंदर पाया जाता है। टेरिडाइन्स एंड कैरोटीनॉइड्स जो है इसके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं। ऑरेंज टू रेड लाइट एब्जॉर्प्शन जो है, एरिथ्रोसोम्स कैरोटीनॉइड्स ड्रॉपलेट्स ऑर्गेनेल्स जो है ये होते हैं। और ऑरेंज टू रेड, अब जो क्या है ऑरेंज टू रेड क्या है, लाइट एब्जॉर्प्शन, जो लाइट एब्जॉर्प्शन है ये क्या करते हैं ऑरेंज टू रेड। अब एरिथ्रोसोम जो है ये एक ऑर्गेनेल है जो कि कैरोटीनॉइड ड्रॉपलेट्स जो है ये इसके अंदर पाया जाता है। मिक्सड कलरेशन इन फिशेस, कहीं कहीं मिक्स होती है। अब कलर पैटर्न्स ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ फिशेस आर ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ क्रोमेटोफोर्स कंटेनिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंटरी ग्रैन्यूल्स। ठीक है ना, तो कलर्स ऑफ पैटर्न ऑफ मेजॉरिटी, बहुत सी फिशेस के अंदर जो कलर पैटर्न होता है वो क्या होता है, कुछ अलग सा होता है, क्योंकि कंबाइंड जो इफेक्ट होता है क्रोमेटोफोर्स के अंदर वो डिफरेंट काइंड्स के जो पिगमेंटरी ग्रैन्यूल्स है वहां पे पाए जाते हैं। ब्लैक एंड येलो क्रोमेटोफोर्स टुगेदर डेवलप ग्रीन कलरेशन। अगर हम देखें ब्लैक और येलो, जब दोनों ये क्रोमेटोफोर्स मिलते हैं तो ये क्या डेवलप करते हैं, ग्रीन कलरेशन देते हैं। येलो जब मिक्स होता है ब्लैक के साथ तो ये ब्राउन या ब्लैकिश कलरेशन जो देता है ये फिश के अंदर देता है। ये बात है मिक्सड कलरेशन की। अब है रेगुलेशन ऑफ कलर चेंज इन फिशेस। सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर का अच्छा रोल रहता है। टेम्परेचर इनडायरेक्टली रेगुलेट द कलरेशन फिशेस। जनरली द लो टेम्परेचर ब्रिंग्स अबाउट द डार्कनिंग इफेक्ट, व्हाइल इट्स राइज रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ पिगमेंट्स विद कॉन्सिक्वेंट लाइटनिंग ऑफ द कलर। तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा जो टेम्परेचर है, जब ये लो टेम्परेचर होता है तो उससे क्या होता है, थोड़ा डार्क इफेक्ट देता है, और जब इसकी जो टेम्परेचर ज्यादा होता रहता है तो जो लाइटनिंग है वो ज्यादा आ जाती है। उसके बाद रेगुलेशन की बात करें, स्टिमुलेशन है जो एक्सटर्नल स्टिमुले है। ठीक है ना, आइदर टैक्टाइल और साइकिक टाइप इन्फ्लुएंस कलरेशन। द फार्मर इन जनरल सीम्स टू हैव ओनली लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द क्रोमेटोफोर सिस्टम, बट द लैटर इंड्यूसेस द सिस्टम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो स्टिमुलेशन भी एक इसका रिलेशन के अंदर आता है, जो कलर होता है जब चेंज होता है फिशेस के अंदर। फिर है जी लाइट। लाइट इन्फ्लुएंसेस द कलर चेंज मैकेनिज्म इन टू सिग्निफिकेंट वेज। अब लाइट क्या है, लाइट जो है इन्फ्लुएंस द कलर चेंज मैकेनिज्म इन टू सिग्निफिकेंट वेज। पहला क्या है, द चेंज ब्रॉट अबाउट बाय लाइट। दूसरा क्या है, इन्फ्लुएंसिंग थ्रू रूट्स अदर देन आईज सच एज बाय डायरेक्टली आर कॉल्ड डायरेक्टली एक्टिंग अपॉन आर थ्रू रिफ्लेक्टिव एक्शन ऑन क्रोमेटोफोर्स आर कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्सेज, व्हाइल दोज रेगुलेट बाय वे ऑफ आईज आर कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो फिर है हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज यहाँ पे डिस्कस हुई है, यहाँ पे क्या लिखा है, हाइपोफाइसिस। क्या है, द हाइपोफाइसिस एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट इन द क्रोमेटोफोर्स। जब हाइपोफाइसिस एक्सरसाइज हो जाएगी, हाइपोफाइसिस ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि रेगुलेट करता है ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड लैक्टेशन बाय रिलेइंग सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द करेक्ट पेरिफेरल ऑर्गन्स। तो अगर हाइपोफाइसिस
एक्सरसाइज हो जाए उससे क्या होता है, जो कलर है पिगमेंट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है पूरी बॉडी के अंदर। आफ्टर हाइपोवैसेक्टोमी द पिगमेंट बिकम एग्रीगेट इन द कलर बिकम लाइट। अगर हम हाइपोसेक्टोमी करेंगे उससे क्या होता है, जो पिगमेंट है ये एग्रीगेट हो जाते हैं और जो कलर है ये लाइट बन जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है हैज आल्सो बीन रिपोर्टेड टू ब्रिंग अबाउट कलर चेंज बाय इन्फ्लुएंसिंग मेलानोफोर्स। और जो थायरोक्सिन भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये भी रिपोर्ट देखा गया है किसी किसी फिश के अंदर कि ये कलर चेंज में बड़ा अच्छा मेलानोफोर्स, ठीक है ना, बाय इन्फ्लुएंसिंग। देखो थायरोक्सिन क्या होता है, थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो कि थायराइड हार्मोन, मेन फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन मेड बाय थायराइड ग्लैंड। ओके, तो इससे भी इन्फ्लुएंसिंग होता है, मेलानोफोर्स की चेंज जो आती है वो थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से भी आती है। फिर है जी न्यूरल रेगुलेशन, द क्रोमेटोफोर्स ऑफ सम फिशेज आर रिचली सप्लाइड विद नर्व्स। अब क्या होता है, बहुत सारे फिशेज जो हैं उनके अंदर नर्व्स अच्छी तरह से उनके अंदर सप्लाई होती है। इन सेवरल ऑफ दीज स्पीशीज क्रोमेटोफोर्स आर ग्रेटली अफेक्टेड बाई ओबिलिटेटिंग द नर्व सप्लाइंग ए पार्टिकुलर एरिया। और वो कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जहाँ पे जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो ग्रेटली अफेक्ट होते हैं। इट इज बिलीव दैट द न्यूरॉन सप्लाइंग द क्रोमेटोफोर्स प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूरोह्यूमर्स व्हिच इज एक्टिवेट देम। अब क्या होता है, ये कहीं किसी जगह ये कभी कभी देखा गया है जो कि बिलीव यकीन किया जाता है कि जो न्यूरॉन्स है वो सप्लाई करते हैं क्रोमेटोफोर्स को, प्रोड्यूस करते हैं केमिकल सब्सटेंस न्यूरोह्यूमर्स जो कि एक्टिवेट करते हैं। ओके, अब जो है एसिटिल्कोलाइन जो है एड्रेनालिन है ये भी रिस्पॉन्सिबल है न्यूरो रेगुलेशन के अंदर। अब देखा जाएगा कि सिग्निफिकेंस क्या है कलोरेशन के। सबसे पहले है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, सम फिशेस आर परमानेंटली कलर्ड टू मैच विद द सराउंडिंग इन विच दे लिव। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो कि अपना जो कलर है वो परमानेंटली क्या करती है, मैच करती है ऐसी सराउंडिंग के साथ जहां पे वो रहती है। ओके, ये है कैमोफ्लेज, ये सिग्निफिकेंस है किसका, कलोरेशन का। कोरल रीफ्स फिशेस मैचिंग विद सिमिलरली कलर्ड रीफ्स ऑफ देयर वाटर। कोई फिशेस, बहुत सी फिशेस ऐसी होती है जो कोरल रीफ्स के अंदर रहती है, अब वो क्या करती है अपना जो कलर है वो मैच करती है, बिल्कुल लगता है ये कोरल रीफ है। Many fishes are able to change their color very fast by rearranging pigment in chromatophores. बहुत सी fishes ऐसी होती हैं जो कि अपना color rearrange करती हैं chromatophores के अंदर, तो जिसकी वजह से वो अपना जो color है वो change कर देती हैं। ये इसका एक सबसे पहला सबसे अच्छा जो है ये significance है। उसके बाद है जी डिसरप्टिव कलरेशन। डिसरप्टिव कलरेशन क्या होता है, द कलर चेंज ऑफ सच काइंड प्रोड्यूस पैटर्न दैट कंफ्यूजेस द फॉर्म ऑफ द फिश, पैचेस ऑफ इररेगुलर साइज शेप कलर ड्रॉ अटेंशन ऑफ द ऑब्जर्वर साइट व्हाइल ड्रॉइंग अवे देयर अटेंशन टू द फॉर्म्स ऑफ व्हिच बियर देम द कलर चेंज। डिसरप्टिव क्या है, अगले इंसान को अगले किसी जानवर को ऐसे डिस्टर्ब करना कि वो अचानक जो है वो पैचेस जो है इररेगुलर साइज के वो बना लेती है, अपनी शेप कलर को वो इस तरह से दिखाती है ताकि वो बिल्कुल डिस्टर्ब कर दे माहौल, तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है ताकि जो प्रे हो उसके ऊपर अटैक ना कर सके। फिर है जी कंसीलमेंट एंड डिसगाइज। वेरियस फिश स्पीशीज प्रोड्यूस पैटर्न टू मिमिक विद द सराउंडिंग सो एज टू अवॉइड प्रेडेटर्स एंड प्रे। बहुत सारे स्पीशीज ऐसी भी होती हैं फिशेस जो कि प्रोड्यूस करती है मिमिक जो पैटर्न ऑफ मिमिक विद सराउंडिंग टू अवॉइड, ताकि वो जो प्रेडेटर्स हैं जो प्रे हैं वो क्या करें उनसे दूर रहे। डिसगाइज इज अफेक्टेड बाई सर्टन हैबिट्स ऑफ फिश। लेदर जैकेट फिश जो है, ओलिगुलेटस सेरस, Amazon leaf fish जो है, Monocercus polycanthus एंड triple tail जो fish जो है, Lobatus surimensis very much resemble a leaf floating in water। ये है concealment and disc। Aggressive purpose, coloration is sometimes for aggressive purpose and not for protection, helping the fish to conceal its mirror to the prey। There may be advised to deceive and attract the prey as in the angler fish antinous। अब aggressive purpose में क्या होता है, coloration is sometimes for aggressive purpose and not for protection, helping the fish to conceal its nearer to the prey। अब क्या होता है, कुछ aggressive purpose ऐसा होता है कि वो helping the fish जो कि conceal करे जो उसके जो near nearness जो है वो
प्रे के साथ, और देयर मे बी डिवाइस टू डिस्यू एंड अट्रैक्ट द प्रे एज इन द एंगलर फिश, जिस तरह ये है. ओके उसके बाद आप देख सकते हैं कोटिंग पैटर्न्स क्या होता है, कलरेशन पैटर्न्स आर हेल्पफुल इन स्ट्रक्चर रिकॉग्निशन ऑफ मैट. मेल ड्रैगमोर्स वैसेस इन मेनी सेपनोडेंट्स आर ब्राइटली कलर्ड इन कंपैरिजन टू फीमेल टू फीमेल्स व्हिच आर लाइटर. कोटिंग पैटर्न्स क्या होता है सेक्स के अंदर, जब ये आपस में मेट करते हैं ना तो उसमें भी ये हेल्प करता है. जिस तरह आप लोग चाहते हैं कि लड़का चाहता है अच्छी लड़की हो, लड़की चाहती है अच्छा लड़का हो, इस तरह से फिशेज के अंदर भी ऐसा होता है कि वो देखती है जो कोई खूबसूरत है, कितना अच्छा है, स्मार्ट है, उसी की तरफ एक्टिव है, उसी की तरफ ये जाने की कोशिश करती है. जो मेल है वो फीमेल के पास जाएगी, जो फीमेल है वो मेल के पास जाएगी. तो ये चीजें होती है, ये कोटिंग पैटर्न था, ये भी इसका एक सिग्निफिकेंस है. उसके बाद हम देखें वार्निंग पैटर्न्स क्या है. बहुत सी स्पीशीज ऐसी होती है जो कॉन्वेंशन अफेयर होता है, ये इसकी वजह से जो है अपने आप को बचाती है, चाहे वो सेक्सुअल चीज हो चाहे वो प्रेडेटर्स हो. अब द कॉफर फिश जो है ओस्टाक्यून, ग्लो फिश है टेट्राडॉन, और जो पोर्सकुपाइन फिश है डायडॉन, ये ब्रिलियंट कलर होती है जो कि एडवर्टाइज देयर प्रेजेंस बीइंग वेरी वेल प्रोटेक्टेड बाय मींस ऑफ स्ट्रांग स्पाइंस. तो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है ये अच्छा लगा होगा. मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है, तो आप देखते रहिए टीचिंग भी आज ही, तब तक.